कार्टून टीवी। एक गांव में एक नदी बहती थी जो एक बरसाती नदी थी। लोग उस नदी के पानी से अपना काम करते थे, जैसे पानी घरों में भरकर ले जाना, नदी किनारे कपड़े धोना, एक छोर से दूसरे छोर जाना। लोग उस नदी को पार करके दूसरे गांव में व्यापार करने भी जाते थे, लेकिन शाम होते ही कोई भी नदी के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहां नदी में एक चुड़ैल रहती थी जो रात को बाहर आती थी और जो भी उस नदी के किनारे उसको मिलता उसको पकड़कर अपने साथ नदी में ले जाती थी। एक दिन भोलू नाम का लड़का शहर से वापिस आ रहा था और रास्ते में वो नदी के पास से गुजर रहा था और वो चुड़ैल की बात से बिल्कुल अनजान था। वो धीरे धीरे नदी के साथ चले जा रहा था, अपनी ही धुन में मग्न था वो। पाऊ नदी सा मेले के चला जे बाटो हिया, कौन दिशा में लेके चला रे। तभी उसको लगा कि किसी ने उसकी गति को रोक दिया है, किसी ने उसको पीछे से पकड़ के रखा है। अरे ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कौन हो, किसलिए मुझे पकड़ रहे हो? तो खुद ही पीछे मुड़कर देख ले, तुझे किसने रोका है? जैसे ही भोलू ने पीछे मुड़कर देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कौन हो तुम, कहां से आई हो तुम? दिखता नहीं, एक चुड़ैल हूँ मैं। पर मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये नदी और इसका पुल, ये सब मेरा है और यहाँ रात को मेरी इच्छा के बगैर कोई भी नहीं आ जा सकता। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। अच्छा, लगता है तुझे किसी ने कुछ बताया नहीं मेरे बारे में। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे बचाओ कोई है, अरे बचाओ। चुड़ैल उसको पकड़ती है और उसको अपने साथ नदी के अंदर पकड़कर ले जाती है। अगले दिन लोग नदी के पास आते हैं। आए दैया रे दैया, चुड़ैल ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया। मैं तो कहूँ कि अब इस चुड़ैल का खत्म कर देना ही चाहिए। आखिर कब तक ऐसे ही इसके डर के साए में जीते रहेंगे? हाँ हाँ, ये ठीक है। गांव वाले मुखिया के घर की तरफ चलने लगते हैं। मुरली इस गांव का मुखिया था। सब लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुखिया जी, अब आप ही हमको उस चुड़ैल के डर से छुटकारा दिलाओ। लाखन, अब इस चुड़ैल से हम सबको मिलकर मुकाबला करना ही होगा। लेकिन मुखिया जी, उस चुड़ैल से लड़ने की हिम्मत हमारी तो नहीं है। लाखन, अगर हम सब एक साथ हिम्मत करके उससे मुकाबला करें तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन मुखिया जी, आपको याद है ना, एक बार पहले भी जोश में आकर राघव और सुखिया ने उस चुड़ैल पर हमला किया था और उसका क्या अंजाम हुआ ये अभी तक कोई भूला नहीं है। हाँ चांती, लेकिन हम एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। सब मुखिया की बात मानकर राजी हो जाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात होने पर सब नदी की ओर चल देते हैं। आज नहीं छोड़ेंगे उस चुड़ैल को, उसने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, आज तेरा सारा खेल खत्म कर देंगे हम, निकल बाहर। तभी जोर से हवा चलने लगती है। चुड़ैल के चीखने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। फिर वहां पर एक खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद उस खामोशी को चीरती हुई चुड़ैल की हंसी पूरे गांव में गूंजने लगती है। तुम सब फिर से आ गए, भूल गए क्या पिछली बार क्या हुआ था? सब याद है चुड़ैल, लेकिन इस बार तुझे छोड़ेंगे नहीं।
मार डालूंगी। चुड़ैल अपना तांडव शुरू कर देती है और गांव वालों को पकड़ पकड़ कर इधर उधर उछालने लगती है। गांव वाले भी हिम्मत करके उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उस पर उनके हमले का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। चुड़ैल, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, बस तू एक बार ये बता दे कि तू हमसे किस बात का बदला ले रही है। ये मैं क्यों बताऊं तुम्हें, जब मैं मर रही थी किसी ने मुझे बताया कि क्यों मारा जा रहा है मुझे। क्या, हमने मारा तेरे को? हाँ, जाओ पता लगाओ उस पंडित ने जिसे मेरी मौत का कारण पता है, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना सबको अपने साथ इस नदी के अंदर ले जाऊंगी। चलो सबसे पहले जाकर पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा राज है जो उनको पता है। सब लोग मिलकर पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बताओ, वह चुड़ैल कह रही है कि तुम्हें उसकी मौत का राज पता है, आखिर क्या है वो राज? नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल को नहीं जानता भाइयों। सीधी तरह बता दो पंडित, वरना तुम कभी उसी नदी में अभी गिरा कर आएंगे, इस गांव से तुम्हें मार मार कर भगा देंगे। जब पंडित उनको कुछ नहीं बताता तो सब उसको उठाकर नदी की तरफ ले जाने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो, मैं सब बताता हूँ। फिर गांव वाले पंडित को नीचे उतारते हैं और पंडित जी सब सच बोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो चुड़ैल जो है ना, वो पहले एक लड़की थी जिसका नाम बिंदिया था, और जो अपनी नाव में लोगों को नदिया के पार ले जाया करती थी। आ जाओ जल्दी से, हम नाव को चला रहे हैं, जिसने भी नदिया के पार जाना है तो आ जाओ जल्दी से। बिंदिया बहुत ही मेहनती थी, वे अपने बूढ़े बापू की लाठी थी जो उसका सहारा बनी हुई थी। उसका बापू नदिया के पार ही रहता था, लेकिन वहाँ किसी प्राइवेट बाबू ने नदी के ऊपर पुल बनाने का सुझाव दिया, और इसके लिए उसने गांव के कलेक्टर को अच्छी खासी मोटी रकम देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पास करवा लिया। लेकिन जब शुभ मुहूर्त में पुल का काम शुरू हुआ तो फिर पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया गया, यानी कि मुझे, मैं ही वहाँ पर गया था पूजा करने के लिए। पंडित जी वहाँ पर पूजा कर रहे थे। साहब, आज का काम रोकना पड़ेगा। क्या बक रहे हो, काम क्यों रोकना पड़ेगा? साहब, एक मशीन चल नहीं रही है, उसको नदिया के पार से लाना पड़ेगा। अरे बेवकूफ, नदिया के पार से लाना है तो वो सामने ही तो नाव है, एक आध घंटे के काम के लिए पूरा दिन कैसे लग जाएगा? साहब, वो मशीन भारी है, वो इस नाव पर नहीं आ सकती, उसको दूसरे रास्ते से ही लाना पड़ेगा, और उसके लिए घूम कर जाना होगा, जिसमें पूरा एक दिन का समय लग जाएगा। लेकिन गुप्ता बाबू नहीं मानते और वो जबरदस्ती उस मशीन को लाने के लिए बोल देते हैं। बिंदिया अपनी नाव को नदिया के पार ले जाती है गुप्ता बाबू और दो मजदूरों को बिठाकर। लेकिन जब वो इतनी बड़ी मशीन को देखती है तो वो उसको अपनी नाव में ले जाने के लिए मना कर देती है। नहीं साहब, ये इतनी बड़ी मशीन तो नहीं जा सकती हमारी नाव पर, हमारी नाव डूब भी सकती है। देख काम वाली, ये आज ही लेकर जाना जरूरी है, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं बाबू, ये मशीन बहुत भारी है, ये नाव को डुबो देगी। गुप्ता बाबू नाव वाली लड़की के सर पर किसी चीज से हमला कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। इसको भी मशीन के साथ नाव में रख लो, नदी के बीच में जाकर इसको भी गिरा देना। गुप्ता बाबू मशीन के साथ नदी में सवार हो जाते हैं, लेकिन मशीन के भार की वजह से नाव संभल नहीं पाती और बीच नदी में पहुँच कर वो पलट जाती है, जिससे उसमें सवार सभी लोग भी डूब जाते हैं। तब ये सिलसिला बना कि कोई रात को इस नदी के पास आता तो वो चुड़ैल उसको पकड़कर अपने साथ नदी में ले जाती थी। इसलिए आज भी इस नदी पर वो कभी पुल नहीं बन पाया, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पुल बनाने की कोशिश करता तो वो चुड़ैल उस सबको इसी नदी में डुबोकर मार देती। लेकिन पंडित जी, अब इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाया जाए?
चलो फिर से एक बार चलकर उससे बात करते हैं। सब मिलकर फिर से नदी के पास जाते हैं और उस चुड़ैल को बुलाते हैं। चुड़ैल नदी से निकलकर आती है और इस बार पंडित को उठा लेती है। पंडित डर के मारे चीखने लगता है, पंडित मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कभी इस नदी की तरफ आया ही नहीं रात के समय। देखो तुम मुझे छोड़ दो, देखो देखो आखिर तुम्हारा दोषी तो उसी समय अपनी सजा पा चुका है, वह तुम्हारे साथ ही तो डूबकर मर चुका है, फिर आप तो किस बात का बदला ले रही हो? जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ उस नदिया के पार। सब लोग नाव में सवार होकर नदिया के पास जाने लगते हैं। आगे आगे चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी और पीछे पीछे गांव वाले नाव में। चुड़ैल सबको लेकर नदिया के पार पहुंचती है और एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी आराम कर रहा होता है। ये मेरे बूढ़े पिता हैं, जिनका मैं ध्यान रखती थी, लेकिन मेरे बाद अब कोई भी इनको देखने वाला नहीं है। मैं चाहकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। देखो बिंदिया, अब होनी को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे पिता का ध्यान हम सब मिलकर रखेंगे और उनको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। अब तुम भी मान जाओ बिंदिया, देखो अब तुमको अपने बाबा की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और गांव वाले भी बिंदिया के बापू को नाव में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं।